मोदी सरकार के आने के बाद सेंसेक्स सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। 19 महीने बाद गंगा की सफाई में लगाए 1100 करोड़ रुपए पानी में बह गए। खुद प्रधानमंत्री अपने हाथों से मेड इन चाइना वाला माल बांटने वाले। असहिष्णुता के मसले पर अवार्ड वापस करने का विरोध जताने वालों में फिल्मकार, साहित्यकार, नाटककार, वैज्ञानिक और चित्रकार वगैरह सब थे, लेकिन जमीन से जुड़े असल मुद्दों पर अवार्ड वापस शायद पहली बार किसानों ने किया। 3,37,922 ये आंकड़ा है एक बरस में महिलाओं के साथ हुए अपराधों का। A fresh low has been formed by the rupee as well. For the first time since August 2013, we've seen rupee hitting that level of 68 to the dollar. 7 किसानों ने खुदकुशी की इजाजत मांगी है और उनका बहुत साफ कहना है बर्बाद फसल का मुआवजा मिला न राहत मिली। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हाथ मिला रहे हैं और दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सैनिक मारे जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का जन्मदिन है और बर्थडे ट्रीट जो है मोदी को देसी घी का खाना खिलाया जाएगा, कश्मीरी चाय पिलाई जाएगी, मिक्स वेजिटेबल, पालक पनीर, खीर परोसी जाएगी। सरकार ने आयात शुल्क लगातार बढ़ाकर अपनी तिजोरी तो भरी लेकिन ग्राहकों को फायदा नहीं दिया। निर्यात लगातार 13वें महीने गिरा है, व्यापार घाटा बढ़ गया है। लाखों लाख किसान खुदकुशी कर चुके हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा स्थिति ऐसी आ जाएगी कि खुदकुशी करें या किडनी बेचें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मॉस्को एयरपोर्ट पर एक गलती हो गई। राष्ट्रगान के बीच चलने से प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो गया। जैसे ही वो चलने लगे भारत का राष्ट्रगान बजने लगा, लेकिन पीएम रुके नहीं। आसियान सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के सामने तिरंगे का अपमान हुआ। आसियान सम्मेलन में उल्टा तिरंगा फहराया गया। पीएम मोदी के चीन दौरे के पहले ही दिन चीन के सरकारी चैनल सीसीटीवी ने भारत का गलत नक्शा दिखा दिया। आम लोगों की दाल कही जाने वाली अरहर पहले थाली से बाहर हुई, अब बजट से भी बाहर जा रही है। 150 रुपए दाल हमने कभी देखी नहीं जो आज देखे मोदी के राज में। महंगाई की अलग मार पड़ी हुई। जिन अच्छे दिनों के वादे से मोदी सरकार आई थी, उस वादे का क्या हुआ? प्याज और दाल की कीमतें कहां पहुंची? औद्योगिक विकास दर और कृषि विकास दर के कमतर होने से मुश्किल। देश में पहली बार एक वैज्ञानिक ने सरकार से मिला पद्म भूषण जैसा सम्मान लौटाने का ऐलान किया है। 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने देश के माहौल पर चिंता जताई। सरकार की नाक के नीचे से 6,000 करोड़ रुपए का काला धन विदेश चला गया। नो करप्शन, नो भ्रष्टाचार। इसी नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, लेकिन 16 मई के बाद ही मोदी सरकार के इस दावे की हवा निकलनी शुरू हो गई। आरोपों के घेरे में नरेंद्र मोदी के मंत्रियों से लेकर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तक आ गए हैं। बुनकरों से नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि वो उनकी किस्मत बदल कर रख देंगे, लेकिन सवा बरस बीत गया और पूर्वांचल के बुनकरों को अच्छे दिनों की आहट तो नहीं मिली, बल्कि जुबा पे दर्द कहीं ज्यादा आ गया। यार, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया, हिंदुस्तान में पैदा हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा था कि अच्छे दिन आएंगे।